से है लेना, अभी घर में ही रहना, कोई काम हो जरूरी तभी रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस रखना, अभी हाथ ना मिलाना, मुंह पे मास्क लगाना, घर किसी के ना जाना, अभी घर ना बुलाना, सारे नियमों को रखना है ध्यान, अभी भी सावधान रहना है, ताकि जाए ना किसी की भी जान, अभी भी सावधान रहना है, चलो सफल करें अभियान, अभी भी सावधान रहना है। पटना अगमकुआ थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर 5 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। पटना सिटी अगमकुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात भूतनाथ पानी टंकी के पास से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार अपराध करने की योजना बना रहे थे। इसकी सूचना अगमकुआ थाना अध्यक्ष को मिलते ही अपने दल बल के साथ पहुंचकर तलाशी लिया गया, तो तलाशी के दौरान 9 कारतूस, 3 देसी कट्टा, 5 मोबाइल एवं 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अपराधी का इतिहास पहले भी अपराधी के इतिहास रह चुका है, पहले भी जेल जा चुका है। 5 अपराधी में से 4 अपराधी नालंदा जिले के हैं। SKK न्यूज पटना से सनोवा खान के साथ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। नेगेटिव नेगेटिव एक मिनट सर, 5 अपराधी को कल गिरफ्तार किया गया, क्या है पूरा मामला सर? कल गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के भूतनाथ पानी टंकी के पास कुछ अपराधकर्मी अपराध करने के लिए जमा हुए हैं, योजना बना रहे हैं। इस सूचना के जांच सत्यापन आवश्यक करावे हेतु 7 के बल के साथ वहां पहुंचा गया और वहां पानी टंकी के पास से 5 लोगों को 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से 9 जिंदा गोली और 3 देसी कट्टा बरामद हुआ है। सर इनका पहले जो पकड़ा है, इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है क्या? जी, इसमें से 4 लोग नालंदा के हैं और उनका आपराधिक इतिहास रह चुका है, वे लोग पहले भी जेल जा चुके हैं और आज भी यहाँ किसी व्यवसायी को लूटने के लिए इकट्ठा हुए थे। सर बताया इन लोगों ने कुछ कि किसको लूटने आया था, किसकी हत्या करनी थी, ऐसा कुछ बताया? हत्या करने की बात तो नहीं बताया, यहाँ लूट करने की बात बताया कि भूतनाथ रोड में एक व्यवसायी को लूटने आया था।